अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, माह रमज़ान करीब हैं, इसलिए रमज़ान के मसाइल का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। रोज़े के मसाइल हैं, तरावी के मसाइल हैं, इसी तरह बहुत से लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात के मसाइल का इल्म होना हर एक के लिए ज़रूरी है। इसलिए इंशाअल्लाह अब हम मसाइल रमज़ान सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मसला ये है कि रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले एक ख़बर हदीस के नाम से सोशल मीडिया पर हर साल गर्दिश करती है, वो ये कि जो शख्स सबसे पहले रमज़ान के आमद की खबर किसी को दे, उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। और इस बात को, इस कौल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है। तो याद रखें कि ये जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है कि जो शख्स रमज़ान की खबर किसी को सबसे पहले दे, उस पर जहन्नम की आग हराम है, तो ये कौल न हदीस में है न किसी इस्लामी मोतबर किताब के अंदर, ये कौल मनकूल है। इसलिए इस कौल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को सेंड करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़ादहु मिनन नार, कि जो शख्स जानबूझकर मेरे हवाले से कोई गलत बात बयान करे हदीस के तौर पर, तो वह शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसी तरह एक दूसरी हदीस में इरशाद है, कफ़ा बिलमर कज़िबन अयुहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, कि आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को नकल कर दे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, जिस बात की तहकीक न हो कि यह हदीस है या नहीं है, सही है या गलत है, इसलिए ऐसी बातों को एक दूसरे को सेंड न करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन बातों को मंसूब न किया जाए जिन बातों की हमें तहकीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।